वैक्सीन से नहीं चर्बी से डर लगता है। कोरोना की वैक्सीन पर भारत की सरकार ने अभी तक मुहर नहीं लगाई है, लेकिन देश के कुछ मुस्लिम संगठन पहले ही आवाज उठाने लगे कि वैक्सीन इस्लामिक उसूलों के मुताबिक होनी चाहिए। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोरोना वैक्सीन में चर्बी, सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हो सकता है। यह शक चीन की वैक्सीन को लेकर जताया जा रहा है। इससे चौकन्ने हुए मुस्लिम धर्मगुरु चीनी वैक्सीन के बहिष्कार का तो ऐलान कर ही रहे हैं, भारत सरकार से यह मांग भी कर रहे हैं कि वो जो भी वैक्सीन मंगाएं पहले उन्हें बताएं कि उसमें कहीं सुअर की चर्बी का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में यह बहस पहले शुरू हुई कि कोरोना की वैक्सीन हलाल है या नहीं, और अब यह बहस हिंदुस्तान तक भी पहुंच गई है। कोरोना महामारी का तोड़ हिंदुस्तान कैसे निकालेगा? कौन सी वैक्सीन को भारत सरकार मंजूरी देगी? वैक्सीन कहां से खरीदी जाएगी? ये सारे सवाल अभी भी जवाब के इंतजार में है। लेकिन देश में वैक्सीन पर मुहर लगने से पहले ही वैक्सीन पर विवाद उठने लगा है। मुस्लिम संगठनों ने कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी के इस्तेमाल को लेकर शक जताया है। बुधवार को मुंबई में इस्लामिक संगठनों की एक बैठक हुई। इसमें ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा और रजा अकादमी के लोग शामिल हुए। इस दौरान वैक्सीन में सुअर की चर्बी के मसले पर चर्चा हुई। धर्मगुरुओं ने इस्लाम के मुताबिक सुअर की चर्बी के इस्तेमाल को हराम बताया। धर्मगुरुओं के मुताबिक चीन की वैक्सीन में सुअर की चर्बी के इस्तेमाल का शक है, लिहाजा मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भारत सरकार से अपील की है कि चीन की वैक्सीन न मंगवाई जाए। हुकूमत हिंद से भी हमारी गुजारिश है कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है, जिसके ताल्लुक से ये है कि उसमें सुअर के अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं, उसको हरगिज़ ना मंगाए। चीन की कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी है या नहीं, इस बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है। चीन सरकार साफ साफ कुछ बताएगी, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। सवाल उठता है कि फिर ये विवाद उठा कैसे? इसका जवाब वैक्सीन निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया में है। वैक्सीन निर्माण में जिलेटिन महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वैक्सीन में जिलेटिन स्टेबलाइजर का काम करता है। जिलेटिन की मदद से वैक्सीन को लंबे अरसे तक असरदार रखने में मदद मिलती है। ये जिलेटिन ज्यादातर सुअर की चर्बी से ही बनता है। हालांकि फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका इस बारे में पहले ही बयान दे चुकी है। तीनों कंपनियों का दावा है कि उनकी वैक्सीन में सुअर की चर्बी नहीं है। वैक्सीन बनाने वाली बाकी कंपनियों ने इस बारे में जानकारी नहीं दी है। जाहिर है चीन के तौर तरीकों और इतिहास को देखते हुए मुस्लिम धर्म गुरुओं को पूरा शक है कि उसकी वैक्सीन में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा मुसलमानों को चीनी वैक्सीन से बचने की सलाह दी जा रही है। तो ऐसी चीज है जो सुअर के किसी भी अज्जा से बनाई गई हो, वो इस्लाम में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना हराम है। तो ऐसी वैक्सीन जो भी कंपनियां बना रही हैं, उनको जो है सुअर के मांस से जो है परहेज करना चाहिए। और भी दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, उनसे वैक्सीन तैयार हो सकती है, लेकिन इससे परहेज करने की जरूरत। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरुओं में इस बात पर एक राय नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि कोरोना जैसी भीषण महामारी के सामने धार्मिक नियम कायदे जिंदगी बचाने के आड़े नहीं आने चाहिए, लिहाजा वैक्सीन में सुअर की चर्बी के मसले को बेवजह का विवाद बताया जा रहा है। तमाम हजरात से अपील करता हूं, इस कोरोना वबा से निपटने के लिए आप हजरात वैक्सीन जरूर लगवाएं, और किसी भी जिस तरीके की लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, गुमराही और इस तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं, तो इसके ऊपर कतई ध्यान न दें और आप WHO की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल करें। तो अगर कोरोना बीमारी इस कोरोना वैक्सीन से दूर होती है और खुदा न करे इसमें सुअर की चर्बी के कुछ अज्जा दवा के तौर पर मिलाई भी गए हैं, तब भी इस्लाम और शरीयत ये कहती है कि पहले इंसान की, मरीज की जान बचाओ, और अगर इसी वैक्सीन से जान बचती है तो जान बचाना फर्ज है। वैक्सीन में क्या हराम है क्या हलाल है इसे देखने की जरूरत नहीं है। इस्लाम के नाम पर वैक्सीन में विवाद खड़ा हुआ तो हिंदूवादी नेता भी मैदान में कूद पड़े। वैक्सीन बनी है और पूरे विश्व की नजर हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान के ये पहल मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए उलेमाओं को। सुअर के मांस से बनी हो चाहे गधे के मांस से बनी, वैक्सीन आ गई है ना। बात सिर्फ चीनी वैक्सीन तक होती तो शायद फिर भी ठीक था,
क्योंकि भारत सरकार के चीन से वैक्सीन खरीदने की संभावना नहीं के बराबर है। लेकिन अब ये मांग उठने लगी है कि जो भी वैक्सीन लगाई जाए उससे पहले सरकार उलेमाओं को बताए कि उसमें क्या क्या मिलाया गया है। अगर ये मांग जोर पकड़ती है तो जाहिर है सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। मुंबई से मुस्तफा शेख, देवबंद से पिंटू शर्मा, सहारनपुर से अनिल भारद्वाज और लखीमपुर खीरी से अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।